आपने ई मित्र से राशन कार्ड की सर्विस को यूज करके किसी भी काम के लिए आवेदन किया था और वो राशन कार्ड बन चुका है, तो आप उसे प्रिंट किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे राशन कार्ड टाइप करेंगे, उसके बाद दोस्तों सर्विस का चयन करेंगे। यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राशन कार्ड प्रिंट सर्विस है, इसका चयन करके ओके बटन दबाएंगे, आप राशन कार्ड के पोर्टल पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऑफिस का चयन करेंगे, आपका ऑफिस कौन सा है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट कार्ड का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो फॉर्म नंबर किस प्रकार से निकाले जाते हैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो स्टेटस देखने का वीडियो है, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ओके बटन दबा के जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से टोकन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। आप प्रिंट कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे राशन कार्ड डाउनलोड हुआ है, उसे ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आप सिग्नेचर वेरीफाई कर लेंगे, इसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे पेपर साइज के अंदर A5 का चयन करेंगे, यहाँ पे A5 का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर प्रिंट ही आपको निकालनी है, ओके बटन करके ओके करेंगे, और A5 साइज के अंदर यहाँ पे राशन कार्ड की जो सही साइज होती है उसके अंदर इसकी प्रिंट आउट निकल जाएंगी। तो दोस्तों ये तरीका था राशन कार्ड प्रिंट करने का। एक बार राशन कार्ड बन गया है तो उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड के अन्य वीडियो के लिए इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों।